हेलो एवरीबॉडी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर टू स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जिसमें कि हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, टॉपिक जो था हमारा वो था सिम्टम्स एंड हार्म्स ऑफ, ठीक है, और वायरस इन्फेक्शन, है ना। तो जिसमें हम लोग पहला देख चुके थे क्या, स्लो डाउन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है, मतलब वायरस अफेक्टेड है, तो सिम्टम क्या था कि आपका कंप्यूटर जो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। तो जो अगला टॉपिक है वो पॉपअप है, ठीक है, आप देख सकते हैं अगला टॉपिक जो क्या है वो पॉपअप है। पॉपअप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने सिस्टम ऑन किए, ठीक है, और आप मान लो पेंट पे काम कर रहे हो, तो अचानक एक इन्वायरमेंट खुल जाएगा, मतलब एक विंडो खुल जाएगा जो कि आप नहीं खोले हो, फिर वो खुल जाएगा, फिर कट करोगे फिर अचानक वो खुल जाएगा, फिर कट करोगे, मतलब बार बार वो विंडो आता रहेगा, बार बार आप उसे कट करते रहो, मतलब वो क्या अनएक्सपेक्टेड है, यही ना हुआ। कहने का मतलब क्या, आप उसे नहीं चाह रहे हो कि हाँ खुले, पर वो ऑटोमेटिकली खुल जा रहा है। तो इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं, मतलब इसमें पता ही चलता है कि कहीं ना कहीं वायरस अफेक्टेड हमारा सिस्टम हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, अनएक्सपेक्टेड पॉपअप विच अपीयर ऑन द सिस्टम आर अ टिपिकल साइन ऑफ स्पाईवेयर, ठीक है। इन्फेक्शन इट यूजअली कम्स इन बंडल्स विथ अदर मालवेयर विच कुड बी मोर डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि आप कोई फाइल डाउनलोड किए हो तो उसमें वो वायरस चलाया, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि आप कभी भी ऑन किए, ठीक है, इंटरनेट, क्योंकि आपको पता है कि जो भी वायरस अफेक्टिंग होता है वो कब होता है, जब आप नेटवर्क में होते हो, ठीक है। मतलब सिंपली अगर कहे तो क्या, जब आप इंटरनेट पे होते हो, जब आप इंटरनेट पे होते हो तो उस समय क्या होता है, वो खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो कि खुद आके चुपचाप बैठे होते हैं, और जब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, मतलब अपने आप को बढ़ा लेते हैं, तो वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी का एग्जाम्पल दूसरा था सिम्टम्स क्या आपका पॉपअप। तीसरा है क्रैश। क्रैश कहने का मतलब क्या, कि जैसे मान लो कि आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो और आप फाइल को सेव करके बंद किए, दूसरे दिन जब ऑन किए तो फाइल खुल ही नहीं रहा है, आखिर जबकि सब कुछ सही था फिर भी वो फाइल नहीं खुल रहा है, तो आखिर मतलब क्या हो गया कि वो फाइल क्रैश कर गया। कभी कभी तो सुनते हो गए आप, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया, है ना, मतलब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑप्शन होता है वो भी क्या है, सिम्टम किसका, एंटीवायरस, मतलब वायरस अफेक्टिंग का सिम्टम्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्रैश में क्या कहते हैं। क्रैश, वायरस कैन डैमेज अ हार्ड डिस्क, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर, सच एज फ्रीक्वेंट क्रैशिंग ऑफ सिस्टम और BSOD, मतलब ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, मतलब सिंपली ब्लैक हो जाना, सिस्टम जो है वो एकदम कॉन्स्टेंट हो जाना, कुछ होना ही नहीं। जैसे मान लो कि अगर उसमें एरो था तो बस एरो ऐसे ही दिख रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ना ही बंद हो रहा है, ना ही ओपन हो रहा है, ना ही न्यू फाइल खुल रहा है, कुछ भी नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, क्रैश कर जाना, मतलब सिस्टम हैंग कर जाना इसको कहते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगला जो है वो है आप रनिंग आउट ऑफ स्टोरेज स्पेस, ठीक है। क्योंकि आपको बताया था ना कि बहुत सारे वायरस क्या है, अपने आपको रेप्लिकेट करते हैं, और वो फाइल को, जैसे मान लो कि एक फाइल डाउनलोड किया आप, गाना का फाइल है, ठीक है, ऑडियो फाइल आप डाउनलोड किया इंटरनेट से, और उसमें वायरस अफेक्टिंग है, मतलब वो फाइल जो है वायरस अफेक्टेड फाइल है, तो वो क्या, जैसे आपके सिस्टम पे आता है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने आप को बढ़ाता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है। मान लो वो एक आया तो 10 किया, 20 किया, 100 किया, 100,000 किया, लाख किया, मल्टीपल, अपना अपने आप को मल्टीपल करता है, और फिर जा कर के वो क्या होता है, जाके स्टोरेज में बैठ जाता है, ठीक है। तो जब एक ही तरह का बहुत सारे फाइल, मिलियंस फाइल जा कर के बैठ जाए, तो क्या होगा, सिस्टम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल में देखते हो ना, कैश जो है, कभी कभी मोबाइल में ऑप्शन आता है क्लीन योर मोबाइल, ठीक है, जिसमें हम लोग कभी कभी क्लीन करते हैं, तो कैश फाइल जो होता है या फिर अनवांटेड फाइल जो होता है वो कम से कम 1 GB, 2 GB, 3 GB तक चला जाता है। तो ये क्या है, जो 1 GB, 2 GB जो आपका कैपेसिटी लिए हुए है, अनवांटेड फाइल, मतलब कैश फाइल जिसको आप डिलीट करते हो, ठीक है, ये तो क्या है, मेमोरी कहीं ना कहीं स्लो कर रहा है, और आपके स्टोरेज को क्या कर रहा है, फुल कर रहा है। द वायरस में इंस्टॉल इट्स कॉपीज और रेप्लिकेट अनवांटेड फाइल एंड ऑक्यूपाई ह्यूज स्पेस, ठीक है, मतलब कि अपने आप को बढ़ाता है और फाइल को क्या करता है, इतना बढ़ा लेता है कि वो स्टोरेज में जा कर के भर जाता है, और फिर स्टोरेज क्या आउट ऑफ स्पेस हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉस ऑफ फाइल। ठीक है, अब जैसे मान लो लॉस ऑफ फाइल का मतलब क्या है, सम वायरस में क्रोड और डिलीट फाइल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मान लो कि आप जो वायरस है ना, जो वायरस अफेक्टेड फाइल है, कभी कभी वो डिलीट हो जाता है। जैसे मान लो कि आप कभी सी ड्राइव में या सॉरी डी ड्राइव में कोई ए नाम के फोल्डर में आप अपने फाइल को रख गए, कल आया तो पता चला वो फाइल है ही नहीं, जबकि कोई आपके सिस्टम को टच नहीं किया, लेकिन फिर वो फाइल चला गया, मतलब कि डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली या नहीं है वहाँ पर। कभी कभी हाइड भी हो जाता है, तो ड्यू टू ओनली वायरस। ठीक है, अगला अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ मैसेज और प्रोग्राम। जैसे सम वायरस में लीड टू ऑटोमेटिक ओपनिंग और क्लोजिंग अ प्रोग्राम, रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर एब्रप्टली एंड ओपनिंग ए स्ट्रेंज विंडो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। ठीक है, मतलब क्या, कभी कभी अपने आप को इन्वायरमेंट खुल जाना। जैसे मान लो आप खोल रहे हो पेंट, जिसमें पेंट करना है एमएस, क्या जिसमें पेंटिंग का काम करना है आपको, और आप उधर देख रहे हो तो जाके एमएस एक्सेल खुल गया, फिर आप शाह वर्ड खोल रहे हो पता चला पावर पॉइंट खुल गया। तो इस तरह का जो ऑप्शन है, मतलब खुद ब खुद अपने आप एक नया विंडो खुल जाना, ये भी सिम्टम किसका है, वायरस अफेक्टिंग का। ठीक है, इसके बाद अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी, ये क्या है, व्हेन कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्टेड इट मे रिजल्ट इन टू एन अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी सच एज एक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ डेटा इवन व्हेन ऑल द एप्लीकेशन आर क्लोज इवन लूजिंग कनेक्टिविटी इन द नेटवर्क। जैसे मान लो कि कभी कभी आप नेटवर्क में हो तो नेटवर्क गायब हो जाना, या फिर अब ये फाइल को किसी को ट्रांसफ़र करने लगना, अब पता नहीं ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ये सारा शो करता है कि आपका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, किससे, वायरस से। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा कि सिम्टम्स क्या होता है, मतलब सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है। ठीक है, किस तरह से हम लोग पहचाने कि हमारा सिस्टम जो है वो ये वायरस के अफेक्ट हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक है वो है क्या, वेज टू प्रिवेंट वायरस। ठीक है, मतलब क्या, वेज टू प्रिवेंट वायरस मतलब क्या, किस तरह से आप सिस्टम को वायरस से बचा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिए हैं, डाउनलोड ट्रस्टेड वेबसाइट, मतलब क्या कि जिस वेबसाइट को आप जान रहे हो जो हार्मफुल नहीं है, सिर्फ उसी वेबसाइट का इस्तेमाल करें। जैसे मोबाइल में आप देखे हो ना कि जब कभी गूगल से आप या क्रोम से या किसी वेब ब्राउज़र से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो सिक्योरिटी के लिए आपसे पूछता है कि दिस फाइल कैन हार्म योर सिस्टम, इस तरह का ऑप्शन आता है, तो आप फिर भी वहाँ पर ओके करते हो तो वो फाइल डाउनलोड होता है ना। उसी तरह से आपको क्या होना चाहिए, एक ट्रस्टेड वेबसाइट, मतलब जैसे कि प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर में वायरस नहीं आता, वहाँ पर वायरस स्कैंड होता है। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करते हो वहाँ वायरस आने की चांस नहीं है, लेकिन अगर प्ले स्टोर के बाहर से जाकर के आप कहीं डाउनलोड करते हो तो अब वायरस अफेक्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस, मतलब क्या आपके सिस्टम पे एंटीवायरस होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेट पे काम करते हो या फिर आप किसी के सीडी का इस्तेमाल करते हो या फिर किसी के पेन ड्राइव का यूज़ करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप ये पढ़ लोगे क्योंकि जो बताया वही कन्फ्यूजन यहाँ पर लिखा हुआ। जैसे कि कुछ एंटीवायरस के नाम क्या है, वास्ट है, मैक फ्री है, क्विक हील है, नैप्स के क्या है, कैस्पर की है, आईवीजी एंटीवायरस है, नॉट एन एंटीवायरस। ठीक है ना, इसके बाद स्कैनिंग एंड क्लीनिंग एंड हार्ड डिस्क, ये सब क्या है, वर्क है किसका, एंटीवायरस का। ये क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम को स्कैन करता है, चाहे वो किसी ड्राइव की बात हो या फिर किसी फोल्डर की बात हो या फिर होल सिस्टम की बात हो। ठीक है, तो इस तरह से वो आपके सिस्टम को स्कैन कर लेता है और फिर आपको बताता है क्या कि आपका सिस्टम फ्री है किससे, वायरस से। जैसे मान लीजिए कि इस फिगर में दिखाया गया है किस तरह से किसी फोल्डर को या किसी ड्राइव को आपको स्कैन करना है, तो आप क्या करते हो, किसी फोल्डर को स्कैन करना होता है मान लीजिए ये फोल्डर, इसको स्कैन करना है, तो आप जा करके माउस ले आते हो और जैसे ही लेफ्ट बटन क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन खुल जाता है और यहाँ पर होता है स्कैन। ठीक है, तो स्कैन विथ करते हो, जैसे ही आप स्कैन करने लगता है और फिर वो प्रोग्रेस बार शो करने लगता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑप्शन खुल जाता है जहाँ प्रोग्रेसिंग शो करता है, मतलब कि आपका स्कैन चालू है। ये धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि फुल हो जाता है, तो हम लोग का स्कैनिंग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो एंटीवायरस है वो क्या करता है, स्कैन कर लेता है। अब
जब आप एंटीवायरस एक्सचेंज कर लेते हो तो आपको पता है ना, कोई भी एंटीवायरस जो है वो एक ड्यूरेशन क्या रहता है, ड्यूरेशन मतलब क्या, 1 साल 2 साल के लिए आता है। जैसे मान लीजिए कि 1 ईयर वाला प्लान आप खरीदे, ठीक है, तो 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसको चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन भी, और चाहे तो फिर नया CD भी खरीद सकते हो। तो जब रजिस्टर करोगे ऑनलाइन ना, मतलब अपडेट करोगे जब एंटीवायरस को, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके साइट पे जाना है और आपको ऑनलाइन पे कर देना है। तो वो क्या करेगा, एक की भेज देगा, की मतलब क्या, कुछ पासवर्ड वगैरह होते हैं वो भेज देगा, और जिससे कि आप उसको कंप्लीट इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यही प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग दोबारा उसको कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे बेहतर टॉपिक है अभी फिर, वो है डेटा बैकअप। डेटा बैकअप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका सिस्टम, ठीक है, वो वायरस अफेक्टेड हो गया, ठीक है, तो आप चाहोगे ना कि कहीं ना कहीं आपका जो फाइल है पहले से, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या ऑडियो है जो भी है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं रख ले, उसके बाद पूरा सिस्टम को फॉर्मेट मार दें। फॉर्मेट मार मतलब क्या, पूरा सिस्टम को डिलीट कर दें, ठीक है, क्लियर कर दें, साफ़ कर दें। वायरस अगर है तो वो डेथ हो जाएगा वायरस का, इस तरह का आप चाहोगे, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है डेटा बैकअप। डेटा बैकअप का मतलब क्या होता है कि जो आपका फाइल्स है या फोल्डर्स है या फिर आपका कॉन्टैक्ट है या फिर आपका वीडियोज़ ऑडियोज़ जो है, उसको एक अदर स्टोरेज में जा करके स्टोर कर देना। जैसे कि आप मोबाइल में देखते हो ना, क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ठीक है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर होता है स्काई में, जैसे आप देखे होंगे क्लाउड लिखा रहता है मोबाइल में, ठीक है, तो इस पर आप करते हो ना, तो आपका जो है ईमेल में, ठीक है, मतलब मेल में जा कर के वो सेव हो जाता है, और वो वहाँ पे स्पेस मिलता है आपको जहाँ पे आप क्या करते हो, अपने सारे फाइल्स और फोल्डर को सेव कर देते हो, और फिर जब आपका कंप्यूटर स्कैन हो जाता है तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, इसको अच्छी तरह समझना है तो इसको समझिए, जैसे आप एक नया मोबाइल ख़रीदते हो तो क्या आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर अब लिखने जाते हो? पहले जो छोटा छोटा मोबाइल होता था, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता था, तो हम लोग को कॉन्टैक्ट लिखना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, जैसे ही आप ईमेल से लॉग इन करते हो आपका सारा नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है, यही होता है ना, आप करके देखना। आपको क्या होता है, जैसे आप मोबाइल चेंज करते हो और जैसे ईमेल से लॉगिन करते हो, तो आपका पुराना जितना भी कॉन्टैक्ट है वो वापस नए मोबाइल में चला आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, तो समझ में आ गया, जैसे कि अटैक ऑफ एनी मैलवेयर, स्टीलिंग ऑफ डाउनलोडिंग, ठीक है, डिलीशन, करप्शन ऑफ डैमेज स्टोरेज, तो इस तरह की एक्टिविटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को बैकअप रखते हैं, ठीक है। अब कहता है क्या, इन सच केसेस देयर आर चांसेस that the data stored in the file inside computer are lost temporarily or permanently। हो सकता है जब आप एंटीवायरस को, एंटीवायरस से पूरे सिस्टम को स्कैन कर रहे हो, तो हो सकता है कोई फाइल डिलीट हो जाए टेम्परली या फिर परमानेंटली, ठीक है। ऑल्सो द यूज़र फेस द लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एज देयर मे बी, ठीक है, देयर मे बी अ ग्रेट लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी। और अगर मान लीजिए आपका कोई फाइल है जिस पर आप बहुत मेहनत करके वो फाइल बनाए और वो डिलीट हो जाए, तो आपका क्या हुआ, समय भी बर्बाद हो गया, उतना मेहनत भी बर्बाद हो गया। तो द डेटा विच आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर आर क्रिएटेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट इज़ वैल्यू फॉर इंडिविजुअल अ फर्म ऑर्गनाइजेशन और नेशन, सो ऑल द यूजर मस्ट टेक सम सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और डैमेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का कोई फाइल है, उसको हम लोग नहीं, हम जैसे हम लोग मोबाइल में पासवर्ड क्यों लगाते हैं, ताकि हम लोग मोबाइल को कोई टच नहीं कर सके, या फिर उसके अंदर का जो फाइल है, फ़ोटो है, उसको कोई डिलीट नहीं कर सके, उसको कोई देख नहीं सके, यही कारण है ना। तो सेम चीज़ कह रहा है कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर करने के लिए क्या होता है, एक कुछ मेजरमेंट लेते हो, मतलब सेफ्टी के मेजरमेंट लेते हो। सो ऑल यूजर मस्ट टेक सम सेफ्टी मेजर टू प्रोटेक्ट द डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस और डैमेज इन ऑर्डर टू अवॉइड सच काइंड of losses once to store data in some other device's location which is used whenever required। कह रहे हैं कि उसके लिए हम लोगों को अपने फाइल को अपने सिस्टम में नहीं बल्कि कोई अदर जगह पर रखना चाहिए, जहाँ से हम लोग जब चाहें तो डाउनलोड कर ले, जब चाहें तो उसको अपलोड करके सेफली स्टोर कर लें, ठीक है। अब अभी देखो क्या कह रहा है, इस फिगर को आप समझो। इस फिगर में क्या है, क्या कि ये एक सर्वर है, ठीक है, लार्ज कंप्यूटर, और ये छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, मतलब कि हम लोग यूज़र, जैसे मान लो ये गूगल का है, ठीक है, ये गूगल है, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, अपने फाइल को यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको कहते हैं, मतलब कि आप इसको एयर में अपने जीमेल में सेव कर दे रहे हो, ठीक है, और ये आकर इस सिस्टम में सेव हो जा रहा है।
अब आप तो अपलोड कर लिया, आप जब उसको यूज़ करना होगा फिर आप जाओगे वहाँ से, फिर उसको इंस्टॉल कर लोगे अपने सिस्टम पे। तो यही होता है क्या, डेटा बैकअप। ठीक है, मतलब कि आप इस कहीं दूसरे सिस्टम पे, मतलब कि गूगल के, याहू के, इसके सिस्टम पे जाके अपने फाइल को स्टोर करते हो। ठीक है, और फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेते हो। समझ में? तो चलिए उसी चीज़ को भी हम लोग देख रहे थे। अब यहाँ देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इन टू अनदर स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर रिवेलेट्स टर्म्ड एज बैकअप। ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे सिस्टम में स्टोर करना अपने इंफॉर्मेशन को, दैट इज नोन एज डेटा बैकअप। ठीक है, अब डेटा बैकअप करने का मतलब क्या है? हो सकता है आप किसी दूसरे सीडी में रख लो, हो सकता है आप किसी पेन ड्राइव में रख लो, हो सकता है किसी गूगल के सर्वर में रख दे। ठीक है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे गूगल ड्राइव होता है ना अपने मोबाइल में। ठीक है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको कहते हो, तो उस तरह के एरिया में जाकर के अपने फाइल को सेव किया जा सकता है। मतलब सिंपली कह लो कि अपने सिस्टम में ना रख करके हम लोग किसी दूसरे सिस्टम में, चाहे वो सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, या फिर गूगल में हो गया, या क्लाउड कंप्यूटिंग में हो गया, यहाँ जा करके अपने फाइल को सेव कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डेटा बैकअप। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब रिवाइज़ कर लेना, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपका एक्सरसाइज फिर आपको बनाकर मिल दिया जाएगा, एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो आपको इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस।